पूरे देश में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां जबलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी के दम पर आवाज उठाने वाले नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। आम जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप इंतहा देखिए कि खाद्य पदार्थों पे जीएसटी ये सरकार कहाँ ले जाना चाहती है। एक तरफ आप खाद्य पदार्थ लगभग फ्री जैसा बांटते हैं और एक तरफ आप उस पर जीएसटी की बात करते हैं, ये कैसे संभव है? देश के हालात आर्थिक तौर पर बहुत ख़राब है, रुपया हमारा लगातार गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे जब सरकार नहीं थी उनकी केंद्र में कि यह तो बहुत आसान काम है और यह तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, इनको करना चाहिए। आज देश के हालात आर्थिक तौर पे अत्यंत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, देश को हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी हमारी जाँच की एजेंसियाँ होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड जैसा बनाने का प्रयास करके और उस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कार्रवाई सारे लोगों के ऊपर हो, हम लोगों को उस बात से कोई परेशानी नहीं है, पर कार्रवाई दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। आप जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? वहीं इंदौर में भी बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।